तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए फिशिंग वीडियो में। और आज हमने बहुत सारे जाल देख लिया, आप देख सकते हो। जस्ट कुछ जाल देखिए, आप देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये रहा हमारा फर्स्ट थर्माकोल। एंड ये दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे एक रो फिश आ चुका है। बिल्कुल हमारा कुछ काम का नहीं है। देखो दोस्तों हमने 4-5 दिन से जाल नहीं देखे। एंड ये यहाँ पर फूल चुका है, इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप फिशिंग करते हो तो आपको पता होगा कि मरी हुई फिश की कैसी स्मेल आती है। तो चलिए इसको निकाल दें। दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से हमने निकाल लिया इसको। एंड ये मेन बात है, ये जो रेड कलर का है इसे लाल परी कहते हैं। चलो इसको फेंक देते हैं अभी। देखो ये देखो दोस्तों हमने पूरी तरह से निकाल लिया है। चलो अभी आगे देखते हैं। आगे भी एक चिलापी फिश है, वो भी सेम इसी तरह है। उसकी भी यहाँ पर बहुत स्मेल आ रही है और बहुत ही वाइट हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए, देख रहे हैं आप। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे इसको निकाल दिया है। ये देखिए रो फिश है, चलो कैसा तैर रहा है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, आगे और एक फिश है। कहाँ पे है, ये रे छोटी फिश है। दोस्तों आगे और एक रो फिश है। चलो देखते हैं जिंदा है या मर गया है। वैसे कोई अभी उम्मीद नहीं बची है, 4-5 दिन से हम जा रहे देखे नहीं हैं। ऐसा लगता भी नहीं कि वो जिंदा रहेगा। एंड दोस्तों ओ माय गॉड, दोस्तों फिश बड़ा था, देखो रो फिश बड़ा है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे डेड हो चुका है। चलो इसको ट्राई करते निकालने का। अब इसमें स्मेल तो नहीं आ रही है, तो आशा करते हैं कि अच्छी रहेंगी फिश। निकालने के बाद इसके जो गिल्स रहते हैं जिसे लोकल लैंग्वेज में मराठी में कल्ला कहते हैं। तो दोस्तों मुझे कोई लग नहीं लग रहा है, पर देख सकते हैं इसको आँखों की वजह से नहीं लग रहा है कि अच्छे फिश है। चलिए इसको जो है निकालते हैं। दोस्तों फाइनली हमने रो फिश को निकाल दिया है। एंड इसको अभी चेक करते हैं। एंड दोस्तों बिल्कुल भी जाने के कंडीशन में नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख ये देख लीजिए। चलो दोस्तों आगे देखते हैं अभी कौन सी फिश है क्या है। तो एंड दोस्तों यहाँ पे जो है एक फिश है, ये देखो ये भी मर चुकी है, क्योंकि दोस्तों 4-5 दिन होकर जा रहे देखने। और ये हमारे सात बोटी है, यानी 137 इसको बोलते हैं। तो ये स्पेशल रो फिश के लिए होते हैं, और इसमें बड़ी फिश रहती है, जैसे हमने अभी चिलापी को यहाँ पे फेंक दिया है निकाल के। उस साइज की जो बड़ी फिश इसमें मिलती है, लेकिन ये स्पेशल रो फिश के लिए होते हैं, होते जाले हमारे।
दोस्तों आप देख सकते हैं एक सिल्वरफिश हमने पकड़ लिए, फिलहाल जिंदा है, गुड न्यूज़ है। इसी बात वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों निकल लिया है, अभी इसको अच्छे तो बैग में डालना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है क्योंकि इतनी छोटी मच्छी और इतनी बड़ी बैग। चलिए डाल दिया हमने बैग में, ट्राई करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है आर्टिकल जारी लगभग देख ली है, अभी तक हमें इस फिश के अलावा कोई फिश मिली नहीं, लेकिन अभी जो है ये न्यू जाली है दोस्तों, सेम जाली है, चार पाँच दिन से देखे नहीं, लेकिन आप देखते हैं सामने दो फिश नज़र आ रही है एंड उसके आगे जो ठीक वह एक फिश मर चुका है, रो फिश है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे ये रहे हमारे तिलापिया फिश, दो एक साथ है। एंड ये रही दूसरी फिश हमारी जो कि यहाँ पे है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो फिश है वो भी मर गया है और पुल के ऊपर आ चुका है, चलो उसको निकालते हैं। ओह माय गॉड, देख लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा था, देख लीजिए दोस्तों, उसको निकाल लिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और फेंक देना इसको। तो बिकॉज यू आल्सो नो क्योंकि वो मर चुके हैं और उसमें मार्केट में कोई लेने वाला है भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए और वापस आ चुका है दोस्तों, कंडीशन तो ठीक ठाक लग रही है, तो एक बार इसको निकाल के चेक करते हैं। तो ये जाली जो है 16 नंबर आई थिंक है, बहुत ही पतली जाली दोस्तों, एंड जब बीच फट रहे हैं यहाँ पे, मैंने आप यहाँ पे दो फंदे यहाँ पे फाड़ दिए। तो दोस्तों अच्छा कंडीशन में दिख रहा है, इसको लेते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। तो यानी ये जो फर्स्ट वाला हमारा रॉ फिश है ये भी लग रहा ठीक ठाक, देखेंगे क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे कुछ है,
चलिए देखते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक रोफिश है। ओ माय गॉड दोस्तों, देखो दोस्तों मर चुका है ये भी रोफिश। इसको तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही वाइट हो चुका है। कभी कभी वाइट कलर का रोफिश होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर का है और बहुत वाइट हो चुका है। तो इसको तो हम चेक भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली निकाल के फेंक देंगे। पहले इसको निकाल, दोस्तों उसको निकाल लिया है। एंड तो वह चेक आपको चेक करा देता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस कंडीशन में है। तो भी दोस्तों इसको फेंक देने वाले हैं हम, साथ में रखेंगे इसको, अभी किनारे के जाने के बाद उसको फेंक देने वाले हैं। देखते हैं कौन सा फिश अच्छा है कौन सा नहीं है, क्योंकि कभी कभी डेड फिश भी मार्केट में चल जाती है। तो इसी बात पर आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक फिश आ चुका है एंड बिल्कुल डेड दोस्तों, बहुत इसी गंदी स्मेल आ रही है इसकी। तो चलिए इसको भी निकाल के फेंक देते हैं। एंड दोस्तों इसको पूरी तरह से निकाल लिया एंड चेक करते हैं, कंडीशन तो अच्छी लग रही। ओ माय गॉड देखो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन अच्छी है, लेकिन कुछ काम का है ही नहीं। सो फ्रेंड्स अब तक यहाँ तक जाल देख ले एंड यह हमारा लास्ट वाला थर्माकोल है। एंड दोस्तों बस इतने फिश को हम आज की वीडियो में पकड़ पाए दोस्तों, पकड़ पाए ऐसे बोलने से बेहतर है कि हम इतने फिश यहाँ पे मिले हैं हमें, जो कि सभी डेड है। एक भी फिश जिंदा नहीं दिखा लिया हमारे इस वाले चिला पे फिश को छोड़ के, सभी फिश दो यहाँ पे डेड हो चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।